लास्ट टॉपिक है हमारा फॉर द फ्लूइड स्टैटिक्स, दैट इज द बॉयंसी। बॉयंसी में यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, दैट इज नथिंग बट दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी दैट इज इनसाइड अ पर्टिकुलर फ्लूइड। दैट पर्टिकुलर नेट फोर्स विल बी इन द अपवर डायरेक्शन, बिकॉज जो नीचे वाला कर्व सरफेस होगा उस पर ज़्यादा प्रेशर एक्ट करेगा ऊपर वाले के कंपेरिजन में। और कितना यहाँ पर नेट फोर्स एक्ट करेगा, दैट वॉज गिवन बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता था, वो ये बोलता था कि जो बॉयंट फोर्स एक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर अपवर डायरेक्शन में बॉयंट फोर्स एक्ट करता था। यहाँ अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में कोई भी अगर बॉडी फ्लोट कर रही है, इसका मतलब कि उस पर लगने वाला बॉयंट फोर्स और वेट दोनों के दोनों बराबर होंगे। अगर कोई बॉडी को आपको फ्लोट करवाना है, तो उसके लिए जो यहाँ पर कंडीशन होती थी, दैट वॉज द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉलिड बॉडी शुड बी लेसर देन द डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड, तभी वहाँ पर वो जो पर्टिकुलर बॉडी होगी वो फ्लोट कर पाएगी। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर ये भी पढ़ा था कि जो इफेक्टिव वेट है, इफेक्टिव वेट को आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, जो कि मेजर करता था आपका स्प्रिंग बैलेंस, एंड द इफेक्टिव वेट इज गिवन एज डब्ल्यू डैश इज इक्वल्स टू वेट माइनस बॉइंट फोर्स। पक्की बात है कि किसी भी पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर जो इफेक्टिव वेट है उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाती थी बिकॉज ऑफ द बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई भी एक पर्टिकुलर सबमर्ज बॉडी हो तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर ये चेक करते थे कि भाई जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा रहेगा, लेकिन क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी था वो चेंज नहीं करता था, इसीलिए उसमें आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं देखने को मिलती थी। सेंटर ऑफ बॉयंसी एक्चुअली एक वो पॉइंट था जहाँ से हम लोग एज्यूम कर सकते थे कि बॉयंट फोर्स एक्ट कर रहा होगा। लेकिन अगर मान ले एक फ्लोटिंग बॉडी है, तो फ्लोटिंग बॉडी का टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम स्टडी करने के लिए हम लोग वहाँ पर एक नया पॉइंट डिफाइन करते थे, जिसको हम लोग बोलते थे एज द मेटा सेंटर। मेटा सेंटर क्या था, तो दैट इज गिवन एज द पॉइंट अबाउट विच द एक्सेस ऑफ रोटेशन और एक्सेस ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी विल पास। वेयर एज अगर मान लेते हैं यही जो पर्टिकुलर मेटा सेंटर है, मेटा सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो भी होता था उसको हम लोग बोल देते थे एज द मेटा सेंट्रिक हाइट। मेटा सेंट्रिक हाइट को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते थे बाय जी एम। और जी एम की बात करें अगर, तो जी एम की वैल्यू के बेसिस पे आप लोग ये बता पाते थे कि जो भी इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। जी एम के लिए अगर फॉर्मूले की बात करें, तो उसका फॉर्मूला आता था एज आई बाय वॉल्यूम माइनस बी जी। बी जी कुछ और नहीं था बल्कि बी जी इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर एज आई इज नथिंग बट आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सेक्शन विच इज इंटरसेप्टेड बाय द फ्लूइड फ्री सरफेस। तो फ्लूइड का फ्री सरफेस कौन से सेक्शन को कट कर रहा है ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, उस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसको हम लेते थे एज द आई, वेयर एज वी इज नथिंग बट दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट पर्टिकुलर बॉडी। हमने यहाँ पर ये भी सीखा था कि अगर जी एम की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कि जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर मान ले इसकी वैल्यू लेसर देन जीरो है, दैट इज नेगेटिव है अगर, तो हम लोग बोलते थे कि भाई जो इक्विलिब्रियम है दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बट अगर इक्वल्स टू जीरो होगा तो हम लोग बोलते थे दैट द इक्विलिब्रियम विल बी अ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके अलावा यहाँ पर यह भी ध्यान दिया जाता था कि जो भी पर्टिकुलर डिस्टर्बेंस होने पे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या रहेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था एज 2π अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम। जी एम इज नथिंग बट दैट इज द मेटासेंट्रिक हाइट, वेयर एज के इज नथिंग बट के इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। और रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला भी याद करा था दैट आई इज गिवन बाय ए इंटू के स्क्वायर। इसका मतलब जो के होगा, के विल बी गिवन एज द अंडर रूट ऑफ आई बाय ए। ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो अगर मैं जीएम की वैल्यू बढ़ाता हूँ, इसका मतलब कि मैं स्टेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी का अगर स्टेबिलिटी में बढ़ाऊंगा, तो यहाँ से दिखता है कि जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड की वैल्यू कम होती जाएगी। बट अगर मैं मान लेते जीएम की वैल्यू कम करता हूँ, इसका मतलब कि मैं स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी
को कम करूंगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ता जाता था। लेकिन अगर यहां पर बात कर रहे हो आप फॉर द वॉरशिप और फॉर द पैसेंजर शिप्स, तो हम लोगों ने यहां पर यह भी याद रखा था कि वॉरशिप्स में स्टेबिलिटी इज मोर सिग्निफिकेंट देन द कंफर्ट, जबकि पैसेंजर शिप्स में हम लोग कंफर्ट कंडीशंस ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, स्टेबिलिटी की उतनी ज्यादा हद तक रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसीलिए वॉरशिप्स के लिए जीएम की वैल्यू हाई होती है चाहे वहां पर टाइम पीरियड की वैल्यू कम हो जाए, लेकिन पैसेंजर शिप्स में हम लोग जीएम की वैल्यू जितना हो सके कम रखते हैं, पॉजिटिव जरूर रखेंगे ताकि स्टेबल रहे, लेकिन कंफर्ट कंडीशन रखनी है जिसके लिए हम लोग टाइम पीरियड की वैल्यू चाहे ज्यादा हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहता था। हमने फिर यहां पर यह भी पढ़ा था कि जो भी पर्टिकुलर शिप है, जैसे अगर मान ले ये शिप है, इंटरसेप्टेड एरिया है ये शिप का बाय द फ्लूइड फ्री सरफेस, तो यहां पर दो तरह के आपके आई की वैल्यूज हो सकती थी, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। बट अगर हम लोग यहां पर आई का फॉर्मूला याद करें तो दैट वाज गिवन एज बी डी क्यूब अपॉन 12, और अगर मान लेते हैं कि आप आई एक्स एक्स निकाल रहे हो तो उसके लिए बी ए हो जाएगा और डी ये हो जाएगा। तो अगर मैं आई एक्स एक्स का फॉर्मूला निकाल रहा हूं तो आई एक्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी गिवन एज बी डी क्यूब, सॉरी दैट आई एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू डी बी क्यूब बाय 12, वेयर एज आई वाई वाई क्या हो जाएगा, तो आई वाई वाई ये वाली आपकी एक्सेस हो गई और उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा बी डी क्यूब बाय 12। अगर पूछा जाए कि आई की वैल्यू ज्यादा कौन सी है तो आई इज मोर फॉर विच ऑफ द एक्सेस, दैट इज फॉर मोर फॉर द एक्स एक्स एक्सेस। इसका मतलब कि आई एक्स एक्स के अबाउट अगर मैं चेक करता हूँ फॉर्मूला क्या था, जी एम इज इक्वल्स टू आई बाय वी माइनस बी जी, जितना ज्यादा आई होगा इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अगर आप यहां पर चेक करते हो आई एक्स एक्स की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब कि इस एक्सिस का अबाउट रोटेशन होना डिफिकल्ट होगा, जबकि इस रोटेशन के अबाउट इस एक्सिस का अबाउट रोटेशन होना आसान होता है। इस एक्सिस का अबाउट जब भी रोटेशन होगा तो हम लोग उसको बोलते हैं एज रोलिंग, और इस एक्सिस का अबाउट रोटेशन अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एज पिचिंग। और ये पक्की बात है रोलिंग और पिचिंग में से कौन सा आसान है, क्योंकि यहाँ पर रोलिंग आसान दिखती है, इसका मतलब कि हम लोगों को जो भी शिप्स डिजाइन करनी चाहिए, शिप्स आर ऑलवेज डिजाइंड टू कीप द स्टेबिलिटी इन रोलिंग, क्योंकि रोलिंग ज्यादा यहां पर क्रिटिकल होगा, इजीली हो सकता है, तो अगर रोलिंग को बचा लिया तो पक्की बात है पिचिंग तो अपने आप ही बच जाएगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स से रिलेटेड टू द बॉयंसी एंड फ्लोटेशन। आगे बढ़ेंगे, अगला टॉपिक जो रहेगा दैट विल बी द फ्लूइड काइनेमेटिक्स।